इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो सबसे बड़ी बात थी कि इनका लड़की को इन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया, बहुत ही उस तरीके से इन्होंने संचालन किया, लड़की को इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया और वहां से लेके इन्होंने चलना शुरू कर दिया। उसके एक ने पिस्टल लगा दी कि अगर तू चिल्लाई जरा सी भी तो गोली मार देंगे। इस आदमी ने अपने को हीरो बनाने के लिए पेश किया बड़े साइकिक अंदाज में कि ये जो मेरे दोस्त हैं इनका मोटिव अलग है, मेरा अलग है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हर्ट नहीं होने दूंगा, और लेकिन तुम्हारा जो मिस्टर ए है जिसको वो रैकी के दौरान देखता था मिलते हुए, मिस्टर ए बहुत ही खराब आदमी है, उसका किसी गैर मजहब की लड़की से बहुत संबंध चल रहा है, उसका भाई इसका मर्डर कराएगा जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके बाद वो तुम्हारे घर वालों का कराएगा। तो लड़की नेचुरली बड़ी परेशान हो गई और इसने कहा कि इनकी तुम्हारे प्रति बुरी नीयत है, ये तुम्हें इसीलिए गन्ने के खेत में लेके आए हैं क्योंकि ये तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, लेकिन तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सांदला कला पे इसने लड़की को बिठाया, उसमें एक पैसेंजर जो था उसका युवती ने फोन लिया, सी वॉज टोटली डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, फोन लेके उसने फोन मिलाया युवती ने अपने पिता को और उसके बाद वो कम्युनिकेशन फिर रेस्टोर हुआ और युवती अपने घर आई। तीन लोगों से ये प्रभावित है, ये भी बताएगा, बताओ किन से प्रभावित हो, बताइए। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक मीन कैंप, तो मेरा तुम्हें कैसे मिली कि मैं जेल में पढ़ता हूँ, और ये बात भी वेरीफाई कराइए सही निकली है। तो ये शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है, वो इसको अपने आसपास पाता था उस करेक्टर को अपने आसपास कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूँ और मैं इसको कर ले जाऊंगा, इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। ये इसकी जो ये जो साइकिक डायमेंशन है चौंकाने वाली है, लेकिन जो इसके सूत्र हैं, जो इसका इतिहास है उससे पूरी तरह सुसंगत बैठता है।